हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिशियल ट्रेलर। अच्छा, ये दिखाया नहीं है कि कहाँ कब आ रही है, पर देखते हैं वीडियो। एंड आई एम श्योर वेस्ट बंगाल में जो भी गलत हुआ होगा उसके ऊपर मूवी होगी। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो अभी ये सोच रही थी कि देखो कितनी सारी ऐसी मूवीज अब आने लग गई हैं पर जो इतने सालों में पहले कभी किसी ने बनाने की हिम्मत नहीं की थी। ये सब चीज़ें छुपाई हुई थी कि हिस्ट्री में ये हुआ है, हमारे देश में, हमारी कंट्री में हो रहा है या हो हुआ है, पर उसके ऊपर कोई नहीं मूवी बनाता था, छुपाने की कोशिश की जाती थी। अब देखो सारी ट्रूथ, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। 370 के ऊपर, कश्मीर फाइल्स आई, कितनी सारी अब ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जिससे हमें पता चल रहा है अच्छा ये भी हुआ था, इतना गलत भी हुआ था, ये भी हुआ था, हमारे देश में ये भी चला था, ये क्यों नहीं हटा। सब आंखें खोल रही है, क्वेश्चंस पूछने को मजबूर कर रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका हिंदुस्तान की सरजमीं पर इस्तकबाल करता हूं। आप में से ज्यादातर लोग बर्मा में हमारे से भगाए गए हैं। हम जल्दी हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। तो काफिरों को मारने से हमें जन्नत नसीब होती है। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की हालत बहुत अलग है। मुझे तुम्हारा धर्म कबूल है। आपका इस्लाम में इस्तकबाल है। ये कहाँ का दिखा रहे हैं? आपको कबूल है? मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। ये मदरसा था जहाँ पर आज ब्लास्ट हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेंट्रल ने फोर्सेस भेजी हैं लेकिन हमने उनको डम करवा दिया। मैडम ने अपनी पुलिस लगवाई है सब जगह। लोग यहाँ देश के कोने कोने से नौकरी करने के लिए आते थे लेकिन आज यहाँ से लोग भाग रहे हैं। ये सब हिंदू बस्ती है, इनमें से किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। मैडम, क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में अपने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम भाइयों को जगह दे सकते हैं? इस पर हम ने कॉमेडी बिठाया है, देश कॉस हो रहा है। प्रति अधिकता उसने मुझे धोखा दिया। मुझे दिल्ली जाना है मोदी जी से मिलने। हम अभी इससे निकाह पढ़ेंगे। क्या आपको कबूल है? माय गॉड, ये वेस्ट बंगाल की स्टोरी थी। मैं तो देख के शॉक में, बहुत इंटेंस है भैया, इसको देखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं देख सकती, मैं तो नहीं देख सकती भाई, मैं तो अभी से रोना शुरू हो गया। बाप रे, इतना मतलब मुझे नहीं पता। ये लिखा है वसीम रिजवी फिल्म्स और उन्होंने बनाई है ये मूवी आई लाइक टू सी, मगर इंटेंस बहुत ज़्यादा लग रही है। इट इज़ लुकिंग वेरी इंटेंस मूवी। इट इज़ गिविंग अ वार्निंग टू एवरीवन। हमारे सबको वार्निंग साइन दिए जा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है देश में। बहुत ही इंटेंस मूवी लग रही है। और लास्ट में जो बोल रही थी कि आई डोंट नो, आई मीन क्या हिंदू होना गुनाह है, मतलब बहुत ही, अब मुझे पता नहीं कि ये प्योरली फिक्शन है, दिस इज ट्रुथ, कि उन्होंने ट्रुथ लिया है, मुझे तो ट्रुथ लग रहा है, ज्वाइन करके एक चीज़ बनाई है कि अंदर से ये सब चल रहा है। साथ में ममता भी दिखाई थी, वही मैं बोलने वाली थी, शक्ल नहीं दिखाई पर पीछे से बिल्कुल आपको कोई डाउट ही नहीं हो रहा था कि ये कौन है जिसको उसने वहां से बंदे ने फोन किया है, और वो रोहिंग्या देखा नहीं है। मुझे पता नहीं है ये मूवी थिएटर्स में आ रही है, आनी तो चाहिए, सिर्फ ये नेटफ्लिक्स अमेज़न वगैरह इन चीजों में आएगी। इट शुड बी मेड अ हिट जैसे कश्मीर फाइल्स। पता नहीं कि आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, आ तो नहीं गई, बट इसकी देखिए
एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत और शॉट्स बड़े इंटेंस थे, बहुत रोंगटे खड़े हो गए, इंप्रेसिव मूवी लग रही है, रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो मूवी की बता रहा हूँ, इंटेंसिटी बड़ी जबरदस्त है कि कितना वेल प्लान करके वो भारत को पूरा मतलब उसकी चेंज करने में लगे हुए हैं। और ये ट्रुथ है, क्यों? क्योंकि हमने कहाँ पे वो न्यूज सुनी थी कि कैसे कुछ उनको पेपर्स, याद है एक न्यूज की थी कि पेपर्स कहीं से मिले, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें पेपर्स से पता चल रहा है कि उनका एजेंडा क्या है कि धीरे धीरे इंडिया में जो है पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स को बढ़ाकर मेजॉरिटी मुस्लिम्स करनी है। और आप कई बार लोगों को इनको सुनते भी हो बोल के कि जब हमारी मेजॉरिटी होगी तब हम बोलेंगे, ओवैसी तक ऐसी इस टाइप की स्पीचें देता है, जब हम ज्यादा हो जाएंगे लोग भी वोटिंग के टाइम भी जब होते हैं कि जब हम होंगे तब देखेंगे, अभी तो वो जीत गए मोदी जी पर देखेंगे जब हमारा हम लोग ज्यादा हो जाएंगे। वही दिखा रहा हूँ कैसे वो सब लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं कि वो गलत है, उन्हीं के में उन्हीं के ऐसे लग रहे थे, उन्हीं के लोग हैं, जिसमें से एक लेडी ऐसे लग रही थी, बोल रही थी कि ये तो बात गलत है, तो उसको जो उनके अंदर भी अच्छा इंसान है उसको भी ऐसे लग रहा है गोली मार के खत्म कर रहे हैं कि भैया तू कैसे बोल रहा है, तू ऐसे बोल कैसे रही है। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही ये रिलीजन बेस्ड जो है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया से बाहर रहते हैं। हाँ। और अगर मैं पीछे 30 साल के ड्यूरेशन को स्कैन करें तो इतना ज़्यादा रिलीजन बेस्ड जो भी लोगों के माइंडसेट है अभी देखने को मिल रहा है। मैं बताऊं क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी ना जीत पाए। मेरे को तो ये लग रहा है सारी इंटेंसिटी लोगों ने लगा दी है कि किसी तरीके से आप बीजेपी को ना जीतने दें। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे उनसे पहले क्या इंडिया था, और वही जब बनने की कोशिश कर रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। वो ये भूल गए, भैया तुम इसी धरती के लोग थे और इन्वेडर्स आए, उन्होंने जनता को चेंज किया, अब तुम ये सोचो कि तुम जो ओरिजिनल थे उसी तरीके से देश जा रहा है। तो नहीं, पर मैं तो इस थॉट से कि इस टाइप के लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं एंड इतना कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदूज को कि भैया इट इज़ शॉकिंग। एक सीन ऐसे भी लग रहा था कि जो कह रही थी ना मुझे मोदी जी से मिलने जाना है दिल्ली, उसमें एक उसमें ऐसा डायलॉग आया था कि उसने मुझे धोखा दिया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो ही मैं बोल रही थी, वो एंगल भी शायद उसमें है कि किसी ने उसके साथ प्यार व्यार का किया होगा, नकली एक्टिंग, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी और उसको कुछ सच्चाई पता चली है, वो मोदी जी के पास जाके उनको बताना चाहती है। ओ माय गॉड, जिसने भी ये मूवी बनाई है, व्हाट अ मूवी, आई ओपनिंग। राइट, मैं तो यही कहूंगा अलार्मिंग अलार्मिंग सिचुएशन जो इंडिया की दिख रही है फ्यूचर की, उसको बता के वार्न कर रहे हैं लोगों को, पूरी जनता को या बच्चों को स्कूल्स में पहले क्लियर करना चाहिए उनकी हिस्ट्री कि इन्वेडर्स आने से पहले तुम क्या थे, इस बात को रियलाइज करो। तो इन्वेडर्स के आने से पहले तुम क्या थे और फिर इन्वेडर्स ने क्या क्या किया, क्या क्या गलत गंदा किया, और उसके बाद जो है आज की सिचुएशन वो है। एग्जैक्टली exactly. और एज लॉन्ग एज दे रिकॉग्नाइज हाँ भैया ओरिजिनली ऐसा भारत था, तो वैसा ही कोशिश हो रही है कि उसी ग्लोरी पे लेके जाएं। और देख लो, बट इट विल ऑलवेज रिमेन अ कंट्री जिसमें डाइवर्सिटी विल ऑलवेज बी यस अवेलेबल, वेलकम, एंड लोग मिलजुल के रहेंगे, हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। इस टाइप के लोगों के लिए कोई जगह नहीं हमारे देश में, जो इस मेंटालिटी इंडिया के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इंडिया तुम्हारे लिए नहीं है। You need to respect all religions. All religion को respect. Exactly. मेरे पास भी कई कमेंट्स में कुछ बोलते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ, Do you believe in respecting all religions? वापस कभी आंसर ही नहीं आया, कभी ने yes नहीं बोला। देखना एक दो को मैंने कमेंट किया, मैं वेट करती रही कि बंदा बोलेगा yes, कभी yes नहीं आया। इतना दुख होता है सोचकर। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।